वेलकम बैक टू द चैनल पीएनपी व्लॉग्स। आई एम पायल एंड मेरी यूट्यूब चैनल पे मैं अपना डेली रूटीन व्लॉग्स, होम डेकोर एंड साथ साथ ट्रैवल के वीडियो शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो के कंटेंट आपको थोड़े से भी पसंद आए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और यहाँ पे आज सुबह सुबह प्रहान स्कूल चला गया और ऊपर आते ही मैंने सीधा नहा लिया है और आज जो भी छोटा मोटा साइड का जो भी काम होता है वो आज नहीं था मेरा और बस सुबह ही नहा धो के आज मैंने बाल भी वॉश कर लिए हैं और यहाँ पे कर रही हूँ भगवान की पूजा, दिया वगैरह करके उसके बाद ही मैं अपनी अब चाय पीऊँगी और कुछ ब्रेकफास्ट में देखूँगी क्या करूँगी। वैसे मैं डेली ब्रेकफास्ट है वो नहीं करती हूँ और यहाँ पर सुबह सुबह ही आज मैंने सोचा है कि ये जो दाल चावल है वो भी भिगो के रख देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे बनाने हैं स्प्राउट मूंग और चने, तो इसको भी मैंने साथ में यहाँ पे निकाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाले जो हरे वाले छोटे वाले मूंग लिए हैं, ये बहुत ही जल्दी स्प्राउट हो जाते हैं और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन। तो आप जब भी मार्केट में जाए शॉपिंग करने के लिए तो मूंग है जो छोटे वाले मूंग आते हैं ना, देसी मूंग, वही लीजिएगा और वो खाने में भी बहुत ही मीठे और उसकी जो सब्ज़ी है वो भी एकदम स्वादिष्ट बनती है। और यहाँ पे सुबह सुबह ही बस सारे जो मूंग चने निकाले थे उसको अच्छे से वॉश कर लिया, भिगो के साइड में रख दिया है और साथ साथ मैं किचन को क्लीन करके ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा किचन का सारा काम मॉर्निंग का तो हो गया है, दूध भी मैंने गर्म कर लिया था और उसके बाद आ गई हूँ हॉल में और सबसे पहले करूँगी अपने बालों को ड्राई और उसके बाद करूँगी सारा काम। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े पड़े हैं, कल मैंने जो साड़ी वॉश की थी वो भी पड़ी है और यहाँ पे कपड़े में से जो भी मुझे कपड़े आयन में देने हैं जो भी भैया को, वो मैं अलग से निकाल के रखती हूँ, मैं घर पे आयन नहीं करती कपड़ों को। और बाकी जो भी सारे कपड़े हैं वो अंदर, अभी रूम में भी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं क्योंकि मैं ऐसे ही कपड़े धोती जाती हूँ और उसके बाद जैसे ही सूखते हैं तो सीधा रूम में डालती हूँ और जब भी रूम में एक बार डालती हूँ ना तो उसके बाद रूम में इतना बड़ा सा ढेर हो जाता है ना कपड़ों का। तो आज वही सारे कपड़े मैं ठीक करूँगी और उसके साथ साथ मैं कच्छ से जो भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं रूम में। पुराने ब्लाउजेस है इसकी ना, एक एक सिलाई करनी पड़ेगी मुझे। ये सब मेरे शादी के टाइम के ब्लाउज है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये फिट आ रहे हैं, ये भी उसी टाइम का है। ये वाली एक प्लेन साड़ी है जिसका मुझे ब्लाउज लेना है, बट अब देखती हूँ इसके साथ कौन सा ब्लाउज का कलर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरी क्रीम वाली साड़ी है ये कॉटन की है वैसे, और मेरी मम्मी लेके आई थी ये, और ये साड़ी वैसे मुझे बहुत ही पसंद है और इसके पहले मैंने एक ही बार इसे पहना है और मैंने कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज इसके साथ पहना था पिंक कलर का, जो इसमें बटरफ्लाइज लगे हैं ना उस टाइप का पिंक कलर का ब्लाउज मेरे पास था तो मैंने वो पहना था। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी वो साड़ी एंड पड़ी पड़ी यहाँ पे देखिए कलर है वो बैठ गया है और कितने मतलब समझो कि मैंने लास्ट पहनी थी, मेरा जो भतीजा है उसका मुंडन हुआ था उस टाइम पे मैंने पहनी थी ये साड़ी। तो ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं और 4 साढ़े 4 साल से ये साड़ी ऐसी ही पड़ी थी, तो पड़ी पड़ी ही कलर बैठ गया है उसमें। तो अभी देखूंगी उसमें कलर निकलता है या नहीं। और यहाँ पे ये देखिए ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ कच्छ से, वैसे ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, बहुत कम ही की है। और यहाँ पर ये है पहला अजरक का मैंने एक दुपट्टा लिया है और मेरे पास एक ऑलरेडी अजरक और बंदेज का मिक्स दुपट्टा है, बट वो बहुत ही बड़ा है, जैसे चनिया चोली के ऊपर हम डाल सकते हैं और जैसे ड्रेस के ऊपर, सूट के ऊपर, जो कि सलवार सूट के ऊपर मुझे एक छोटा सा स्टोल जैसा लेना था तो ये वाला मैंने ब्लैक दुपट्टा लिया है। और ये मैंने फैब्रिक लिया है मोडाल सिल्क का, ये है कुर्ती का फैब्रिक है, 2 मीटर मैंने कपड़ा लिया था। और यहाँ पे एक मैंने ये रेडीमेड कुर्ती ली है क्योंकि अभी बस नवरात्रि आएगी तो नवरात्रि में हम लोग कहीं ना कहीं जाते रहते हैं तो उसमें पहनूंगी, क्योंकि इतना मेरे पास ट्रेडिशनल जो चनिया चोली वगैरह होता है वो तो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए ये वाली जो कुर्ती है वो मैंने वहाँ से ली थी।
और उसके साथ मैंने यहाँ पे ये लिया है एक सूट, ये अनस्टिच है और साथ में दुपट्टा भी है। और ये वाले जो सूट है ये मुझे कब से चाहिए थे, बहुत टाइम हो गया और मैं इस टाइप के सूट है वो ढूंढ रही थी, जूनागढ़ में मुझे कहीं नहीं दिखे थे। और ये देखिए, पहले ना इस टाइप के सूट बहुत मिलते थे, ये रियोन होता है और गर्मियों में स्पेशली ये कपड़ा ना बहुत ही ठंडा रहता है और अच्छा लगता था। मेरे पास बहुत सालों पहले एक सूट ऐसा था तो मैं कब से इसे लेने के लिए देख रही थी तो मुझे कहीं नहीं दिखा और यहाँ पर मुझे दिख गया। और बीच में जो वर्क दिखाई दे रहा है वो गाथा वर्क है, इसे धागों से लिया हुआ हैंड वर्क होता है, तो इसी टाइप का मुझे एक सूट चाहिए था। और यहाँ पे ये दूसरा एक ऑरेंज कलर भी मुझे दिख गया था तो ये कलर मेरे पास नहीं है ऑरेंज कलर, और ये भी बहुत ही अच्छा था, ये पूरा ही ऑरेंज था, दुपट्टा है, नीचे सलवार है और इसका कुर्ता है ना वो भी बहुत ही प्यारा था। इसमें देखिए आगे पूरा ऐसे धागों से ही हैंड वर्क किया हुआ है तो दिखने में भी ये बहुत ही प्रीटी लग रहा था, तो मैंने पहले ही नज़र में मुझे ये पसंद आ गए। 450 ही इसकी प्राइस थी, एक सूट की प्राइस 450 थी तो प्राइस के हिसाब से भी मुझे बहुत ही सही लगे, क्योंकि आज से मैंने 5 साल पहले भी एक सूट लिया था वो भी 450-450 का ही आया था। और बस खुद से तो मैंने इतनी ही शॉपिंग की है और तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, और एक आध कुर्ती का कपड़ा वगैरह, एक आध ड्रेस मम्मी ने लिया है और भाभी ने भी बस सेम ऐसा ही लिया था, क्योंकि हम लोग ऐसे कुछ शॉपिंग के प्लानिंग से गए नहीं थे। और यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों को फोल्ड, आज ये सारा ढेर है वो सही से कर दूँगी। अभी अंदर लाइट चली गई है और किचन में और पीछे वाले जो भी कमरे हैं वहाँ पे बिना लाइट के कुछ भी काम करना पॉसिबल ही नहीं है, तो बस अभी मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है यहाँ से, वैसे कुछ भी हवा भी नहीं आ रही है क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत हो रही है। अभी बजे ही 11 और दाल चावल और मूँग को मैंने भिगो के रख दिए थे तो अभी मैंने दाल चढ़ा दी है और दाल बॉईल हो जाएगी, उसके बाद दाल में छौंक लगा दूंगी और लाइट आएगी तो ठीक है, वरना थोड़ी थोड़ी कुकिंग स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि किचन में ना अंधेरा होता है तो अंधेरे में कुछ भी कुकिंग करने में इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो बस अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगी और उसके बाद बाकी के सारे काम करूंगी। तो यहाँ पे अभी तक लाइट तो आई नहीं है और प्रहान भी स्कूल चला गया है, मेरा ऑलमोस्ट सारा काम है वो घर का हो गया है, मासी अभी तक आई नहीं है तो बस उन्हीं के मैं वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ लहसुन को, और बहुत टाइम से मेरा जो लहसुन है वो छीलना बाकी रह गया था, टाइम ही नहीं मिल रहा था और आज टाइम मिल गया और लाइट भी नहीं थी तो मैंने सोचा ये वाला काम है वो निपटा देती हूँ। इस तरह से मैं ऑलवेज जो छोटे छोटे काम होते हैं वो जब मुझे और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं होता उस टाइम पे मैं कर लेना प्रिफर समझती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं आज मोबाइल लेके अगर बैठ गई होती ना तो मैं एक आध घंटा जितना बस यही सारे रील्स देखने में ही जो मेरा टाइम है वो निकल जाता है, तो उससे अच्छा है कि एक बार ना कुछ काम लेके बैठ जाओ तो सारा काम है वो आपका हो जाता है। इसी तरह से मैं देखिए लहसुन है वो भर के एक साथ रख देती हूँ, और यहाँ पे देखिए बैल बजा दी मासी ने, मासी आ गई थी और बस मासी ने झाड़ू पोछा कर दिया है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं और वो चली गई है और लाइट भी आ गई तब तक, इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। तो मैंने मूंग है सबसे पहले उसको पहले दाल बॉईल कर दी थी, उसके साथ साथ मैंने मूंग को भी 2 सीटी लगा के बॉईल कर दिया और उसी सेम कुकर में मैंने फिर चावल भी चढ़ा दिए हैं, तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों को पहले से ही भिगो के रखी थी इसीलिए बस एक एक सीटी मैंने लगाई तो सारी चीज़ें फटाफट से कुक हो गई है। अब यहाँ पे मैंने चावल भी अच्छे से कुक हो गए तो अभी उसको मैंने रख दिया है साइड में, और अभी मैं सबसे पहले बनाऊँगी मूँग की सब्ज़ी और हमारी गुजराती खट्टी मीठी दाल बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं दाल। यहाँ पे मैंने बॉईल किया हुआ दाल में अच्छे से ब्लेंडर लगा दिया है और एक पैन में यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना ऑयल गरम करने के लिए रखा है उसमें मैंने दालचीनी के टुकड़े, लौंग है, फिर स्टार एनाइस के 2-3 टुकड़े डाले, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा डाल के अच्छे से क्रेकल हो जाए बाद में इसके अंदर मैंने थोड़े से कड़ी पत्ता डाले हैं, और कड़ी पत्ता है वो आप फ्रेश ही डालिए और थोड़ा सा ज़्यादा करके कड़ी पत्ता डालिए, 8-10 कड़ी पत्ता तो डाल ही दीजिए दाल में, सच में इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और हींग डाल दीजिए, हींग डालना मत भूलिए। हींग डालने के बाद यहाँ पे हरी वाली ग्रीन चिली जो होती है उसको मैंने बारीक काट लिया था, वो
और साथ में टमाटर ऐड कर दिया है। अच्छे से उसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। और गुजराती जो खट्टी मीठी दाल होती है उसमें ऑयल है वो बहुत ही कम लगता है, और ज़्यादा ऑयल अगर दाल में आ जाए ना तो खाने का टेस्ट भी एकदम से मतलब ओरिजिनल टेस्ट नहीं रहता, मज़ा नहीं आता उतना। इसलिए आप हमेशा ऑयल है वो बहुत ही कम यूज़ कीजिए। यहाँ पे थोड़े से टमाटर है वो गलने लगे हैं, उस टाइम पे हमने जो बॉईल की हुई दाल थी वो हम ऐड कर देंगे। हाँ, इस टाइम पे दाल देखिए बहुत ही गाढ़ी है, मैंने अभी तक पानी इसमें ऐड नहीं किया है। एक बार मैं पूरी दाल ऐड कर दूंगी और उसके बाद मुझे जितना ज़रूर लगेगा उतना मैं पानी ऐड करूंगी। और देखिए ये जो दाल है वो थोड़ी सी पतली होती है, एकदम से गाढ़ी दाल पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे गुजराती दाल में मैंने देखिए अभी थोड़ा सा पानी भी और ऐड कर दिया है और उसमें डाल दी है शक्कर। गुजराती खट्टी मीठी दाल होती है, गुजराती दाल में शक्कर तो पड़ती ही पड़ती है। अगर आप शक्कर पसंद नहीं करते तो आप गुड़ डाल दीजिए, वरना उसमें मीठा तो रहता ही है कुछ ना कुछ। और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, आधा नींबू का रस डाल दीजिए और हरा धनिया डाल दीजिए। और जैसे ही दाल अच्छे से बॉईल होती है तो उसके ऊपर देखिए इस तरह से झाग आते हैं, तो ये झाग है उनको सारे निकाल दीजिए। मैंने एक भुगोने में निकाल दिया है, बट उसके बाद मैंने उसे छन्नी में छान लिया था, तो जो भी मसाला है वो हम वापस दाल के अंदर ऐड कर देंगे। और लीजिए रेडी हो गई हमारी गुजराती खट्टी मीठी दाल। और अब हम बनाएंगे मूंग की सब्जी, मेरे हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। और मैंने मूंग को बॉईल कर लिए थे, उसमें से थोड़े से मूंग मैं उनके लिए सब्जी में बनाऊंगी और थोड़े मूंग मैंने अपने लिए निकाल के रख दिया है। बस सब्जी एकदम सिंपल है, ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें राई डाली, जीरा डाला, कड़ी पत्ता डाला, थोड़ी सी हींग डाल दी है और लहसुन भी थोड़ा सा कूट के रख दिया था। लहसुन डाल दिया, थोड़े टमाटर डाल दिए और मूंग डाल के बेसिक मसाले डाल के बस यहाँ पे देखिए रेडी हो गई हमारी एकदम से ड्राई वाली मूंग की सब्जी। और बीच में वीडियो है वो बंद हो गया था और यहाँ पे मूंग की सब्जी है वो अलग से निकाल दूंगी। और मैंने लंच में अपने लिए जो बॉयल किए हुए मूंग थे उसमें प्याज, टमाटर, खीरा और थोड़ा सा चाट मसाला और ये सारी चीज़ें ऐड करके बस मैंने वही लंच में लिया था। और ये है प्रहान का लंच, यहाँ पे है दाल, चावल और बॉईल किए हुए मूंग मैंने प्रहान को दिए हैं। बस लंच करने के बाद हम लोग सो गए थे और उसके बाद यहाँ पे उठ के मैं कर रही हूँ किचन में सारा काम, तो यहाँ पे सबसे पहले बनाऊंगी अपने लिए चाय। यहाँ पे देखिए मैंने स्प्राउट करने के लिए मूंग रखे थे, तो मुझे लगता है कि चाय भी बन रही है और साथ में मैं है वो हरी मेथी लाई थी तो वो ख़राब हो रखी थी, तो यहाँ पे बस मेथी को अच्छे से छांट रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं मूठिया ढोकला। बट अभी अभी जस्ट परहान के पापा का फ़ोन आया कि उनको सैंडविच खानी है, तो फिर ये वाला जो प्लान है वो मैंने थोड़ा सा कैंसिल कर दिया। और फिर मैंने सोचा कि सबके लिए सैंडविच ही बना देती हूँ, तो यहाँ पे बस यही कुछ आज डिनर का प्लान है। बस चाय छान ली है और उसके बाद आराम से हॉल में बैठ के अपनी चाय है वो एंजॉय करती हूँ। ये वाला जो टाइम होता है ये टाइम मुझे थोड़ा सा अपने लिए निकालना पसंद आता है। इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आता, इस टाइम पे हो सके उतना मैं बाहर जाना भी अवॉइड करती हूँ। और बस अभी प्रहान सो रहा था और यहाँ पे मैं चाय पीते पीते बस वही सारे दिमाग में वही चलता है एक हाउस वाइफ का कि अब क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, कल क्या क्या काम करेंगे, तो बस मेरा भी वही चल रहा था। और सैंडविच हमने बना दी, डिनर भी कर लिया, वो वाला मैंने वीडियो नहीं लिया है क्योंकि सैंडविच की रेसिपी भी मैंने एक दो बार पहले दे दी है, इसलिए मैंने आज वो कुछ शूट नहीं किया। और बस एज यूजुअल जो नाइट की किचन की क्लीनिंग होती है यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। आज है जो थोड़ा स्टव वगैरह थोड़ा कम ख़राब हुआ था क्योंकि सैंडविच में इतना मसाला ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होता, बट फिर भी ये सारी चीज़ें मुझे डेली हैबिट है तो मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। मैं अपने स्टव को भी दो बार क्लीन करती हूँ, एक बार साबुन वाले थोड़े पोछे से और दूसरी बार थोड़े ड्राई कपड़े से अच्छे से क्लीन करके। मुझे ये गैस के ऊपर भी इस तरह से कुछ कुछ स्टेन्स लग जाते हैं तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैं रात को ये वाला जो कपड़ा है मेरे पास उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाला है और पहले मैं अच्छे से लिक्विड से क्लीन करूँगी और उसके बाद नॉर्मल पानी वाले पोछे से भी मैं यहाँ पे पूरा अपना जो प्लेटफॉर्म है वो क्लीन करती हूँ। मुझे प्लेटफॉर्म में प्रीफर
वही करती हूँ कि रात को सोने से पहले ही हम अपना जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से क्लीन करके सोए, ताकि सुबह सुबह एक तो उठ के सीधा हमें किचन में काम करने का आलस ना आए, और दूसरा कि सुबह सुबह उठ के ऐसे ही गंदा किचन होना तो मुझे तो बहुत नेगेटिविटी आती है, पूरा मेरा दूसरा दिन है ना वो भी ऐसे ही खराब सा ही जाता है। मतलब मॉर्निंग से ही इतना मतलब गंदा गंदा किचन देखो ना तो अच्छा ही नहीं लगता। और दूसरा है कि साफ सफाई अगर ज़्यादा रखेंगे तो कॉकरोच वगैरह भी जो रात को ही ज़्यादा निकलते हैं तो वो भी थोड़ा सा मतलब अगर साफ किचन होगा तो कीड़े मकोड़े भी और कॉकरोच भी थोड़े से कम दिखाई देंगे। तो बस यही सारी चीज़ें देख के मैं अपना जो भी किचन है वो दोपहर में तो मासी क्लीन करती है, बट जब भी मासी नहीं होती तो भी मैं दोपहर में भी एकदम नीट एंड क्लीन ही रखती हूँ, और रात को मैं ही करती हूँ तो रात को भी मैं अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी जो बाई आती है वो इतना अच्छा नहीं करती जैसा हमें पसंद आता है, बट क्या करें कि काम की कमी मतलब टाइम की कमी की वजह से हमें कभी कभी उनको हायर करना पड़ता है। और जब भी मुझे ऐसा लगे कि उन्होंने ठीक नहीं किया है तो देखिए ये मेरी जो किचन में जो बेसिन है वो अच्छे से क्लीन नहीं करती है, स्पेशली यहाँ पे जहाँ पे मैं ये सारे पोछे वगैरह रखती हूँ वो सब वो इतना क्लीन अच्छे से नहीं करती, बट जब भी मुझे ऐसा लगता है तब मैं रात को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे कांच के बर्तन होते हैं जो भी मुझे सुबह सुबह जल्दी जल्दी बर्तन चाहिए, क्योंकि मासी बहुत लेट आती है, 11 बजे आती है सुबह, तो सुबह सुबह वाले जो भी बर्तन मुझे चाहिए होते हैं और कांच के होते हैं वो मैं यहीं पे बेसिन में ही रात को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जैसे ही मैं रात को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद यहाँ पे देखिए बेसिन के आसपास वाला जो भी एरिया है ना वो अच्छे से मैं ड्राई कर लेती हूँ, ताकि गीला गीला ऐसा रहता है ना तो मच्छर भी वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हो सके उतना अपना जो बेसिन वाला एरिया है उसको एक बार ड्राई कपड़े से भी अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो बस ये था मेरा नाइट का डेली का किचन क्लीनिंग रूटीन, और आपको अगर मेरे वीडियो से थोड़े से भी मोटिवेट होते हैं और तो वीडियोस को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप कहाँ कहाँ से मेरे वीडियोस देखते हैं मतलब आपकी सिटी का जो नाम है वो नाम एक बार कमेंट कर दीजिए तो मुझे पता चले कि कौन कौन लोग देखते हैं और कहाँ कहाँ से देखते हैं। तो चलिए करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, और नवरात्रि आ रही है तो खूब मजे से गरबे खेलिएगा। चलिए बाय बाय।